नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा, प्रश्न कह रहे हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखिएगा, ये नीचे सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। सीरीज कैसे चल रही है, 121 है, 253 है, 374 है, 495 है, उसके बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे ही आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए देखिएगा दोस्तों, इसमें हम ये नहीं करेंगे ना, अंतर लेंगे, 121 से 253 कितना हुआ, बढ़ा कितना, फिर 374 कितना बढ़ा, 495 कितना बढ़ा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अगर जो आप अंतर लेके भी देखेंगे तो ये प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये प्रश्न दोस्तों कुछ अलग टाइप का है। कैसे है तो देखिएगा, ये प्रश्न किस टाइप से सॉल्व होता है। देखिए, 121 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 2 1, किन दो संख्याओं, किन तीन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 1 2 1, इन्हीं तीनों संख्याओं से मिलकर बना है 121। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये लास्ट वाला और पहला संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 121 में जो 1 2 1 है ना, लास्ट वाला और पहला संख्या एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा क्या हुआ दोस्तों, 2 आ गया ना। 253 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 5 3, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा। समझिएगा, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। फिर आगे देखिए दोस्तों, 3 और 374 है ना, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, आ जाएगा ना। बस आगे देखिएगा क्या करना है, 4 और 5 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। देखिएगा, ये श्रृंखला ये नहीं है कि आपको कुछ संख्याएं जोड़ के बढ़ाना, नहीं, ये अपने आप से ही जुड़ के आगे चल रही है। समझते समझिएगा, बहुत बार इस टाइप के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं। ये क्या है दोस्तों, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे भी ऐसे ही जोड़ेंगे तो देखिएगा, आगे अगर जो हम ऑप्शन से देखें, 5 और 6 5 और 5, इसमें 565 है दोस्तों, इसमें 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा बीच वाली संख्या, नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन 523 है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा, नहीं, 5 3 8 होता है, 2 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, 5 और 6, पहला और लास्ट वाला संख्या जोड़ेंगे, पहला और लास्ट वाला संख्या जोड़ेंगे 5 और 6 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा, और 11 इस बीच में दोस्तों दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी देख सकते हैं, पहला और लास्ट वाला जोड़ेंगे 5 और 2 तो होगा 7, 10 और बीच में दिया है दोस्तों 10, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसे भी देख के सॉल्व कर लेंगे। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहला और आखिरी क्या संख्याओं को दोस्तों जोड़ना है और देखना है बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर सी में जोड़े, पहला और आखिरी संख्या, तो बीच में 11 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, मतलब कि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, अरविंद का जन्म दिन किस दिन पड़ेगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न ज्यादातर स्टूडेंट देखते हैं तो सोचते हैं क्या कि ये प्रश्न बड़ा है, इसमें स्वतंत्रता दिवस कहां से शामिल कर दिया, इसको हम सॉल्व ना करें। नहीं, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रश्न को एक एक लाइन पढ़ते चलिए और सॉल्व भी करते चलिए। देखिए, कह रहे हैं मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, मतलब मेरा जन्म दोस्तों कब हुआ था, 11 अगस्त को। ठीक है, और कह रहे हैं अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद का जन्म कब हुआ होगा दोस्तों, किस तारीख को हुआ होगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 11 अगस्त में 11 दिन घटा देते हैं। नहीं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है
है तो अरविंद मुझसे 11 दिन बाद जन्म हुआ होगा। अरविंद का जन्म कब हुआ होगा? मुझसे 11 दिन बाद जन्म हुआ होगा ना, यानी कि अरविंद का जन्म कब हुआ होगा दोस्तों? 22 अगस्त को, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्या कर लेते हैं 11 दिन घटा के तुरंत क्या कर देते हैं 31 जुलाई आंसर दे देते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद का जन्म कब हुआ होगा? 22 अगस्त को। और कह रहा है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को। स्वतंत्रता दिवस कितने तारीख को पड़ता है दोस्तों? ये तो सबको पता होगा, 15 अगस्त को पड़ता है। देखिएगा स्वतंत्रता अगस्त से भी यहां से रिलेट कर दिया ना, क्या हो गया दोस्तों? स्वतंत्रता अगस्त का पड़ता है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को दोस्तों क्या है, 15 अगस्त को इस वर्ष क्या है दोस्तों? सोमवार पड़ता है, 15 अगस्त को सोमवार पड़ता है। अब कह रहा है अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, किस दिन पड़ेगा, यह चीज पूछ रहा है। तो अरविंद का जन्मदिन किस तारीख को है? 15 को है, नहीं, अरविंद का जन्मदिन दोस्तों कब है? 22 को है, 22 को है, और स्वतंत्रता दिवस 15 को पड़ रहा है ना, 15 को, कौन सा दिन पड़ रहा है 15 को? सोमवार। तो पूछ रहा है 22 को कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। जब 15 को दोस्तों सोमवार है, तो 15 में एक सप्ताह जोड़ देंगे 7, 15 में 7 जोड़ देंगे, 15 7 22, ठीक है, यानी 22 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 को भी क्या हो जाएगा? 22 को भी सोमवार ही पड़ेगा। 22 को भी क्या पड़ेगा? जब 15 को सोमवार पड़ रहा है, तो 22 को भी दोस्तों क्या हो जाएगा? सोमवार पड़ेगा। सोमवार किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? सोमवार को पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, एक बार और समझा देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको जहां पे कंफ्यूजन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कह रहा है ना कि मैं अगस्त 11 को पैदा होता है, यानी मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, यहीं पे क्या करते हैं? छोटा को घटा लेते, नहीं छोटा है तो उसका क्या होगा? जो मेरे जन्म से 11 दिन बाद जन्म हुआ होगा, तभी तो छोटा है ना, यानी मेरा पहले जन्म। तो अरविंद का जन्म कब हुआ होगा दोस्तों? 22 अगस्त को। कह रहा है इस बार स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है? 15 तारीख को पड़ता है, और 15 को क्या है दोस्तों? सोमवार पर है। 15 को क्या है दोस्तों? सोमवार है। और कह रहा है अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो 15 को दोस्तों जब सोमवार है, तो 22 को क्या होगा? 22 को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि 15 7 22, एक सप्ताह बाद 22 पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 को भी सोमवार, यानी कि अरविंद का जन्मदिन सोमवार को पड़ेगा। और सोमवार ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। यानी कि देखिएगा यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें तीन ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन अलग है, उसी को पहचान करना है। और दोस्तों ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा चुका है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें आपको चारों ऑप्शन को अगर जो दोस्तों देखेंगे तो सभी ऑप्शन आपको एक ही तरह नजर आ रहे होंगे, यानी जो फिगर बना हुआ है वो एक ही तरह नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक अलग है। कैसे अलग है देखिएगा, कैसे अलग है, पहला ऑप्शन में देखिएगा जो फिगर बना है दोस्तों ऐसे बना है, बाहर की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, और इसका भी बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए दीवार की तरफ, यानी बाहर की तरफ है, इसका भी दीवार की तरफ है, बाहर की तरफ है, कहने का मतलब है यह भी बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, यह भी बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है, लेकिन यह वाला जो चौथा है ये अंदर की तरफ है, इसका मुख जो खुला हुआ है ये दीवार की तरफ ना होके अंदर की तरफ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर चौथे में भी देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों? बाहर की तरफ है। देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी है, ये क्या है दोस्तों? बाहर की तरफ है। ये भी क्या है दोस्तों? बाहर की तरफ है। ये भी बाहर की तरफ है। ये भी बाहर की तरफ है। कौन सा ऑप्शन अलग आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखेंगे जो ये बाहर की तरफ ना होके ये अंदर की तरफ है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? भिन्न हो जाएगा। भिन्न कहने का मतलब है अन्य तीन ऑप्शनों से ये अलग है, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यह प्रश्न दोस्तों कभी भी आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसे ही देख के सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों, यह पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे, UP SSC की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस 10 ऑनलाइन
लाइनर सेट मिल जाएगा। और दोस्तों वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, यहाँ पे एक संख्या गायब है जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहीं पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे ये श्रृंखला कैसे चल रही है, 60 है, 69 है, 85 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 146 है। अब देखेंगे दोस्तों ये 60 से 69 है कितना बढ़ा है, 60 से 69 कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। 69 से क्या है दोस्तों, 85 है, 69 से 85 कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है, और 85 से क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे ही पता करना है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं से 9 और 16 से ही हम तय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये 9 क्या है, 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है। ये 16 दोस्तों क्या है, 4 का स्क्वायर है, समझिएगा। ये 9 क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है, ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। आगे दोस्तों क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25। अब 85 के बाद 25 आगे बढ़ेगा, 85 के बाद 25 आगे बढ़ेगा, तो 85 में 25 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर बढ़ा, 4 का स्क्वायर बढ़ा, 5 का स्क्वायर बढ़ा। अब 110 से 146 तक क्या 6 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर दोस्तों होता क्या है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब क्या 110 में 36 जोड़ेंगे तो 146 होगा, हाँ होगा, तो यानी ये श्रृंखला क्या हो जाएगी दोस्तों, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसमें किस टाइप से दोस्तों सीरीज बढ़ी है, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ा प्रश्न देख के छोड़ देते हैं, और ये सबसे सिंपल प्रश्न होता है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है यदि संडे बराबर 18, मानसून बराबर 21, ईयर बराबर 12 हो तो, ठीक है, थर्सडे बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, तुरंत नंबरिंग करने लगते हैं। यस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, ऐसे क्या करने लगते हैं दोस्तों, नंबरिंग करके उसके बाद से उलझ जाते हैं और प्रश्न को छोड़ देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों नंबरिंग नहीं किया जाता है। कैसे ये सॉल्व होते हैं दोस्तों, एक पैटर्न पे सॉल्व होते हैं। देखना है दोस्तों ये जो संडे लिखा है ना, संडे, संडे में कितने अक्षर है, ये आपको काउंट करना है। देखिए संडे में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं दोस्तों, 6 है, और 6 को ये लिखा क्या है दोस्तों, 18 लिखा है। मानसून में कितने हैं दोस्तों अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं दोस्तों, 7 है, लिखा क्या है 7 को दोस्तों, 21 लिखा है, समझिएगा। ईयर में कितने अक्षर है दोस्तों, 1 2 3 4 4 है, 4 को क्या लिखा है दोस्तों, 4 को लिखा है 12। अब बताइए दोस्तों ये 6 को 18 लिखा है, यानी कि गुणे 3 किया है, 6 3 18, 6 गुणे 3 क्या होता है, 18, और 7 को दोस्तों 21 लिखा है, इसमें भी क्या किया है, गुना 3 कर दिया है, 4 को 12 लिखा है, इसमें भी क्या किया है दोस्तों, गुना 3 किया है। अब बताइए, अब समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है, अक्षरों की सभी अक्षरों की संख्या गिन ले रहा है, कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर है उतने में क्या कर दे रहा है दोस्तों, गुना कर दे रहा है 3 का, और बराबर लिख दे रहा है, ठीक है, बराबर लिख दिया है, ठीक है। अब देखना है दोस्तों थर्सडे में कितने अक्षर है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं दोस्तों,
8 यानी कि 8 है। जब इसमें 8 है तो इसमें भी क्या करेंगे, गुणे 3 कर देंगे, तो 8 तरीके दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और जो दोस्त मैथ में कमजोर है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के चैप्टर जब वहां सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और दोस्तों आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हूं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां दोस्तों समय समय में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं और सारे वीडियो के लिंक भी वहां आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन आप जरूर कर लीजिएगा। और ये सब प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक वाला दोस्तों सिंबल इस टाइप से नीचे देखिए बना होगा और यहां पर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर वाला सिंबल इस टाइप से बना होगा, यहां पर प्रेस करके शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहां पे क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन सिंबल बनेगा, दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।